जी बंसल न्यूज के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में 7 मार्च से शुरू होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 13 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुताबिक इस बार भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कुबेरेश्वर धाम समिति और प्रशासन ने यहाँ 300 एकड़ के एरिया में पार्किंग की व्यवस्था की है। इसके अलावा सभी भक्तों के लिए भोजन की फ्री व्यवस्था भी रहेगी। हालांकि इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के मुताबिक पिछली बार रुद्राक्ष वितरण को लेकर हुई अव्यवस्थाओं के चलते इस बार भक्तों को रुद्राक्ष का वितरण नहीं किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। 7 मार्च से रुद्राक्ष महोत्सव के लिए हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आने वाले भक्तों के लिए किस प्रकार है ये रुद्राक्ष महोत्सव विशेष रहेगा। तो हम जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी से। मिश्रा जी नमस्कार। श्री शिवाय नमस्ते। जो भक्त यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए किस प्रकार से ये रुद्राक्ष महोत्सव विशेष रहेगा? जी बंसल न्यूज के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्राक्ष महोत्सव शिवरात्रि के पावन अवसर पर होता आया है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हो रहा है और लाखों भक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। सभी भक्तों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था, भोजन, चाय, नाश्ता, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सभी तरह के जो साधन हैं वो भी लगाए गए हैं और बहुत अच्छा आयोजन सीहोर में कुबेरेश्वर धाम की धरा पर होने जा रहा है। आप भी अवश्य पधारें। जिस प्रकार हमने देखा था पिछले वर्ष आपने भक्तों के लिए एक खास तरह का व्यंजन बनाया था जो राजस्थानी पुड़ी के नाम से मशहूर था, इस बार भक्तों के लिए कुछ विशेष? पिछली वर्ष जो राजस्थानी पुड़ी बनवाई थी, अब की बार भक्तों के लिए प्रतिदिन नए नए सामग्रियां जो अभी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं भोजन के लिए, तो वो सारी मशीनों के माध्यम से भोजन बनेगा। मतलब हलवाइयों की संख्या ना रहते हुए केवल मशीनों के बल पर ही पूरा भोजन भंडारा चलेगा और बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन उस समय पर निर्मित होंगे। महाराज जी, इस बार जो भक्तों का आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, इस बार भी काफी भक्त आएंगे, तो उनके पार्किंग के लिए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से और तेज गति से चल रही हैं, तो उनके लिए क्या पार्किंग के लिए किस प्रकार की क्या? देखिए, प्रशासन ने और समिति ने लगभग 350 से 400 एकड़ की जगह में पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। सभी लोगों के लिए नल व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और प्रयास करा जा रहा है कि समिति की ओर से पानी की बोतलें भी कम शुल्क में उन लोगों को प्राप्त हो, जिससे सभी के लिए उत्तम व्यवस्थाएं हो सके। तो ये थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि आने वाले भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या व्यंजन यहाँ पे बनाए जाएंगे जो भक्तों को प्रसादी के रूप में वितरित किए जाएंगे। गौतम शाह, बंसल न्यूज, सीहोर। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।